अस्सलामुअलैकुम, हजबा फूड कैनिंग में खुश आमदीद। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो पैकेजिंग के हवाले से है कि आपको किस तरीके से खाना लाना चाहिए पैक करवाने के हवाले से। तो खाने की हमारी टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे शॉप ओपन हो जाती है, उसके बाद 3 बजे तक हम खाना बुक करते हैं, जिसमें आपको खाना जो लेकर आना है वो गर्म लेकर आना होता है। अगर आप फ्रिज में भी खावा है आपके पास, 2-4 दिन पहले आपने बना लिया है, तो उसको भी आप गर्म करके लेकर आए। तेज़ गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी हल्का गर्म भी चल जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लेकर किस तरीके से आए, तो आप शॉपर में लाना चाहते हैं, शॉपर में लेकर आए, बर्तन में लाना चाहते हैं, बर्तन में लेकर आए, जिस तरह आपको आसान हो वैसे लेकर आए, क्योंकि डब्बों को हम आपके सामने फिल कर देते हैं, जो बच जाए वो आप अपने साथ लेकर चले जाएँ। अच्छा, वापसी का ये है कि हम 5 बजे के बाद रेडी हो जाता है खाना गरम, तो उसको हम वापसी कर देते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान। तो अब हमारा डिलीवरी का टाइम है 5 से 7 बजे तक, यानी 3 घंटे से ज़ायद लगता है डब्बों को तैयार होने में, खानों को पैक होने के बाद। वैक्यूम होने के बाद ये तकरीबन खाने जो है आपके 6 माह तक वैलिड हो जाते हैं, बगैर फ्रिज इसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसको डायरेक्ट धूप की रोशनी से बचाएं, जो एहतियात इसके अंदर मौजूद है, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड हो जाए वहाँ इसको बचाएं, वहाँ ये चीज़ों को डब्बा ख़राब होने का अंदेशा मौजूद होता है। तो 2 साइज़ होते हैं हमारे पास, 2 पाउंड और 1 पाउंड का साइज़ होता है। 2 पाउंड वाले के अंदर तकरीबन 850 ग्राम लिक्विड वेट आ जाता है, और इसमें 1 पाउंड वाले में तकरीबन 450 ग्राम लिक्विड वेट आ जाता है बआसान तरीके से। अच्छा, बाज़ मरतबा लोगों को सवाल होता है कि यार हमने तो 800 ग्राम वाला करवाया था, अंदर वेट इतना नहीं आ पाया। तो चीज़ के ऊपर भी डिपेंड होता है। मिसाल के तौर पर शामी कबाब आप करवाएंगे तो उसमें 1/2 किलो ही आएंगे आपके, यानी 12 से 14 के करीब शामी कबाब आ जाएंगे। चावल या बिरयानी आप करवाएंगे तो वो तकरीबन आपकी 600-700 ग्राम आती है, और इसी के बरक्स आप कोरमा, निहारी, हलीम करवाएंगे तो वो 800 ग्राम से ज़ायद आएगा। तो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वेट, कि आप कितना डाल रहे हैं, क्या चीज़ डाल रहे हैं, उसके हवाले से होता है। मगर हमारी कॉस्ट जो है वो पर कैन के हवाले से होती है, कैन इंपोर्टेड होता है, इसलिए 2 पाउंड और 1 पाउंड में साइज़ होता है, ये केजी में नहीं आता। अच्छा, जो लोग केजी कहकर बेच रहे हैं या केजी कहकर दे रहे हैं तो बात दुरुस्त नहीं है। ये 850 ग्राम के नेट वेट इसमें होता है, यानी आ सकता है आसान तरीके से। अच्छा, खानों की जो नौयत है वो गर्म की है, सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक बुकिंग टाइम है, और 5 बजे हम इसको आपको वापसी कर देते हैं, 7 बजे तक हमारी शॉप ओपन होती है। अब हफ्ते पूरा हफ्ता ओपन होती है, संडे का रोज़ जो होता है वो आप कॉल कर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ मरतबा बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम शॉप बंद रखते हैं संडे के रोज़, बाकी ऑल वीक जो है ये दुकान खुली। बाज़ लोगों का सवाल होता है कि हम इसको, इसकी एक्सपायरी हम 6 मंथ क्यों दे रहे हैं। वैसे डब्बे की एक्सपायरी जो होती है वो तकरीबन 2.5 साल से 2 से 2.5 साल तक की होती है। कम एक्सपायरी देने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग बाहर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, पुराने देसी मसाले इस्तेमाल नहीं करते, तो जो मसालों की एक्सपायरी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम 6 माह तक के लिए बोलते हैं, क्योंकि डब्बा एक्सपायर नहीं हो पाता मगर जो खाना है उसके मसालों का जायका ख़राब हो जाता है। तो लोगों को बाज़ मरतबा ये शिकायत होती है कि यार बहुत ज़्यादा पुराना हमने यूज़ किया था तो उसमें वो जायका नहीं रहा, तो वो बेसिकली जो मसाले हम बाहर के इस्तेमाल करते हैं तो उसका जायका कमज़ोर हो जाता है, जिसके बिना पर जो है इसमें टेस्ट में फ़र्क आता है। अच्छा, डब्बों के अंदर पैकिंग के बाद टेस्ट में थोड़ी सी तब्दीली जो महसूस होती है वो स्टीम की है, क्योंकि रिटॉर्डेबल पैकेजिंग है, तो जाहिर सी बात है जब हम इसको स्टीम देते हैं तो वो थोड़ा चेंजिंग इसके अंदर आपको महसूस होती है। अच्छा, किसी किस्म का इसमें केमिकल नहीं इस्तेमाल होता, और सिर्फ वैक्यूम कर इसकी बैक्टीरिया ग्रो को रोका जाता है, ठीक है, जिसके बाद आपका डब्बा तकरीबन 6 माह तक खाने के काबिल होता है। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, किसी किस्म की कोई चीज़ डाली नहीं जाती, उल्टा इसमें से स्टीम के ज़रिए, रिटॉर्ट के ज़रिए इसको वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिसके बिना पर आपकी चीज़ महफूज हो जाती है। यकीनन ये आपको वीडियो, ये मैसेज आपको बेहतर लगा होगा। इसके बारे में ज़रूर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।